किसी परछाई की तरह हर वक्त पीएम के साथ रहने वाले ये जवान आखिर कौन है और इनका काम करने का तरीका क्या है, जानी वो हर बड़ी बात जो इस खास शक्तिशाली फोर्स से जुड़ी है। एसपीजी का गठन 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद इसे दोबारा नए रूप से तैयार किया गया। एसपीजी पर देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों की सुरक्षा का जिम्मा होता है। यह ग्रुप प्रधानमंत्री की तरह ही कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी, अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी सुरक्षा मुहैया कराती है। एसपीजी में 3000 से भी ज्यादा प्रशिक्षित जवान हैं। इन जवानों का चयन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ से किया जाता है। एसपीजी के जवानों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जैसी ट्रेनिंग यूएस स्पेशल एजेंट्स की होती है। एसपीजी की ट्रेनिंग में शारीरिक क्षमता, निशानेबाजी, जवाबी हमले की कार्रवाई और कम्युनिकेशन का बेहद अहम रोल होता है। इस ग्रुप के काम करने का तरीका 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें ऑपरेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस एंड टूर एंड एडमिन है। ऑपरेशन की टीम कम्युनिकेशन, टेक्निकल चीजों और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करती है। वहीं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जवानों की लगातार ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। इंटेलिजेंस और टूर धमकियों और खतरों को भांपता है और यात्राओं का जिम्मा संभालता है। एडमिन इन सभी चीजों पर नजर रखता है। एसपीजी का जवान प्रधानमंत्री के चारों ओर मल्टीपल सिक्योरिटी रिंग बनाकर रखता है। एसपीजी का काम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है। एसपीजी का जवान आमतौर पर FNF 2000 असॉल्ट राइफल और क्लॉक 17 पिस्टल से लैस होते हैं। यह जवान कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए सुरक्षा तंत्र से जुड़े रहते हैं। यह जान लेना जरूरी है कि एसपीजी एक हमलावर नहीं, रक्षात्मक फोर्स है।